पैक्ड वेट बेसिकली होता क्या है कि ये पैगिंग कहते हैं उसको, स्टेक को, ठीक है, जिसको कल भी मैंने आपको बताया था हिंदी में तो उसे किला कहते हैं, अब मुझे नहीं पता और तुमने उसको क्या कहा जाता है ना। बेसिकली एक लकड़ी का स्टाफ और स्टाक सा होता है, ठीक है, जिसे स्टेक वगैरह भी आप कह सकते हैं। तो वो लकड़ी का होता है, उसको जो है वो उन्होंने ग्रेड के मुताबिक, ठीक है, जो प्री डिफाइंड ग्रेड होता है, ये आपका यूटीएम का ग्रेड वगैरह आ गया, ठीक है, तो उसके मुताबिक उन्होंने उस एरिया में उनको प्लॉट किया होता है, ठीक है, उन्हें स्टेक अप किया होता है, ठीक है। इसका लेना देना ट्रावर्सिंग से नहीं है, इसका लेना देना जो है आपकी जियोलॉजिक मैपिंग से नहीं है। ये बेसिकली सिंपल जो तरीका ये है कि ये उस एरिया में एक जनरल जो आपका ग्राफिकल वो आता है ना ग्रिड, उसको वो जमीन पे ओरिजिनली प्लॉट कर देते हैं, क्योंकि वो तो इमेजिनरी लाइंस होते हैं आपके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह, ठीक है। तो उनको स्टेकिंग के थ्रू उन पॉइंट्स के ऊपर जहाँ पे उसका चेंजेस आ रही हैं वहाँ पे उनको मार्क कर दिया जाता है। जैसा मैं अभी आपको एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो ये फॉर एग्जांपल आपका एरिया था, ठीक है, इस एरिया में वो करेंगे क्या कि जो इमेजिनरी आपके पास ग्रेड लाइंस है, इन ग्रेड लाइंस के ऊपर वो यहाँ पे स्टैक्स लगा देते हैं, ठीक है, डेफिनेट इंटरवल के ऊपर। वो आपकी मर्जी है कि आप उसे 100 मीटर टू 50 मीटर का ग्रेड बना रहे हैं या 50 मीटर टू 50 मीटर का ग्रेड बना रहे हैं। इसका फायदा ये होता है कि जिस टाइम वही बात इसमें नोटेबल ये है कि ये जो ग्रेड पॉइंट्स हैं, ये जैसे मैंने ग्रीन वाले नोड्स यहाँ पे जनरेट किए हैं, तो इन ग्रेड पॉइंट्स का सर्वे पॉइंट से लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है। लाजमी नहीं है कि आप इन्हीं के ऊपर जो है आप जियो फिजिकल रीडिंग भी करेंगे, इन्हीं के ऊपर आप जियो केमिकल रीडिंग भी करेंगे, या इन्हीं के ऊपर आप जियोलॉजिकल रीडिंग मस्ट आपने लेनी है, ठीक है। ये सिंपली जो पैक ग्रेड का टेक्निक है, इसमें करना क्या है, उन्होंने वो जो इमेजिनरी लाइंस हैं आपकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की, ठीक है, जो कि मतलब मैं इमेजिनरी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो रियल टाइम एग्जिस्ट तो नहीं कर रही होती ना, वो तो सिंपली डिवीजन है अर्थ की। वो डिवीजन अर्थ की उन्होंने इसलिए बनाई है ताकि वो एक मैप जनरेट कर सकें, ताकि वो उसके थ्रू आपको डिफाइन कर सकें कि हाँ आप मैप पे कहाँ पे मौजूद हैं एट दैट मोमेंट, ठीक है। तो ये ओरिजिनली तो उस टाइम एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, तो इनको वो जो जीपीएस के थ्रू जो है रिकॉर्ड करके तो यहाँ पे उसको रियल ग्राउंड पे इनको सुपर इम्पोज कर दिया जाता है, ठीक है। अब सुपर इम्पोजिंग का तरीका क्या है कि उसमें वो बेसिकली एक लकड़ी का स्टाफ होता है, ठीक है, छोटा सा आप ले लें, जिससे वो नहीं होता कुंठा सा जिसके साथ आप भैंस वगैरह या गाय वगैरह बांधते हैं, वो सिंपली वो हो गया। उसके साथ में आपने यहाँ पे ऊपर चिप सी लगी होती है, चिप के ऊपर आपने उसका यूटीएम ग्रेड लिखा होता है, उसके अलावा स्टाफ नंबर होता है, ठीक है, मतलब ये कि वो जो ग्रेड नंबर है उसका, जो स्टेक का नंबर है वो उसके ऊपर इम्प्लांट हुआ होता है। और उसके अलावा यहाँ पे वो करते क्या है ताकि ये क्लियरली विजिबल हो जाए, उसके लिए यहाँ पे एक कपड़ा सा बांध देते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेसिक मैकेनिज्म है ये। और इसकी जो आपने रिकॉर्डिंग वगैरह करनी है, आपने जियोलॉजी की रिकॉर्डिंग, तो आप जियोलॉजी की रिकॉर्डिंग आप चाहे यहाँ पे कर दें, ठीक है, दो पैग्स के दरमियान भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने इन पैग्स को ही फॉलो करना होता है, ठीक है। इसका फायदा ये होता है कि रियल टाइम जिस टाइम आप मैपिंग कर रहे होते हैं तो आप वहां पे पैग नंबर लिख देते हैं, तो आपको बार बार जीपीएस की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। या फिर आप वहां पे जियोलॉजिकल मैपिंग कर रहे हैं या जियोकेमिकल सैंपल्स उठा रहे हैं या फिर आप जियोफिजिकल वहां पे काम कर रहे हैं, तो उसके नियरेस्ट जो पेग है उस तक का आप डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं और आप उसका सिर्फ कोड नंबर नोट कर लेते हैं, तो वो आपको लेटर ऑन जो है वो मैपिंग में आपको हेल्पफुल होता है। तो इसकी बेसिक थ्योरी क्या आपको समझ लगी? अभी हम इसको पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये आपके एक कॉन्स्टेंट रेगुलर एरे होती है ऑफ पेग्स और स्टेक प्लेस इन द ग्राउंड, ठीक है, एक्यूरेटली सर्वेस पोजिशन के ऊपर एंड प्रोवाइड क्विक एक्सेसिबल सर्वे कंट्रोल पॉइंट टू लोकेट ऑल द सबसिक्वेंट एक्सप्लोरेशन स्टेजेस, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि ये आपको सिंपली एक रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं जो कि आपने डेफिनेट रेगुलर इंटरवल के ऊपर आपने जनरेट किए होते हैं। तो यहाँ पर होता ये है कि आपको क्विक रेफरेंस आपको मिल जाता है कि आप कौन से ग्रेड के करीब हैं या आप कौन से जो है वो नोड्स के करीब हैं, समझ आई?
सर तो डिटेल जियोलॉजिकल मैपिंग पर्पसेस हो आपका, तो एटलीस्ट आपको वन पैक ग्रिड जो है ना शुड बी विजिबल फ्रॉम एनी पॉइंट विद इन द एरिया टू बी मैप्ड, ठीक है। आप जिस टाइम, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि लाजमी नहीं है कि आप उन्हीं को फॉलो कर रहे हो, लेकिन उनके करीब आपको होना चाहिए, ठीक है। आप उसने पहले सर्वे करके उस एरिया में एक स्केच लेआउट जनरेट कर दिया कि यार ये यहाँ पे ओरिजिनल जो आपका ग्रिड आ रहा है यूटीएम का, वो इस तरह ग्रिड फॉलो कर रहा है, तो वो आपको उसी एरिया में आपने उसको स्टडी करना होगा विद इन दैट लिमिटेशन जो आपने वहां पे बनाई हुई है, ठीक है। ये तो आपको कम से कम जो है इन्हीं के एरिया के अंदर अंदर काम करना है, या इसके कम से कम आपको विजिबल हो, ठीक है। ये नहीं कि आप इस एरिया में आप काम स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे वो पैग्स ही नहीं है। अगर आपने इस एरिया में काम करना है तो पहले आपको इसको भी फिर पैगिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पैग को हम देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये होता है एक सिंपल सा, ठीक है। टॉप के ऊपर इसका ग्राउंड प्लेसमेंट सीक्वेंस नंबर है कि यार ये आपके पास पैग नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जिस तरह भी है, ठीक है। ये यहाँ पे आप अगर आप वो कर रहे हैं एल्युमिनियम का टैग लगा देते हैं तो ये ज्यादा अच्छा है, कि वो जो है बेसिकली वो आपके पास जो है वो वेदरिंग वगैरह की वजह से वो ज्यादा वो नहीं होगा, क्या नाम है, डैमेज नहीं होगा। जैसे अगर रेनी वगैरह इलाका है ना, तो वहाँ पे अगर आप इनग्रेव करके इसे किसी स्टील प्लेट पे या फिर उसके मेटल प्लेट के ऊपर लगा देते हैं तो वो ठीक। उसके अलावा अगर ये आप नहीं यूज करना चाहते तो उसी लकड़ी के ऊपर भी आप कोडिंग लिख सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्थिंग ईस्टिंग में है, यूटीएम में। सिंपल ये है, लकड़ी का स्टेक है और इसके साथ में ये रिबन है। रिबन इसलिए ताकि आपको विजिबल हो कि ये जो डंडा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है आपके अपने सर्वे का ही ये स्टेक पॉइंट है, ना कि ये ऐसा कि कोई सी लकड़ी वगैरह, कोई दरख्त वगैरह निकला हुआ, ठीक। तो वो रिबन जो है वो बेसिकली ऐसा आइडेंटिफायर के तौर पे ये यूज होता है। तो रिलेटिवली ओपन कंट्री में जो ग्रिड स्पेसिंग है वो आइडियल जो है वो 80x40 meter का है, ठीक, जो आपकी ग्रिड स्पेसिंग आएगी ओपन एरिया में। तो इसकी ओरिएंटेशन ऑफ द ग्रिड लाइंस जो है आपके पास आ रही है शुड बी एट हाई एंगल टू डिटरमिन स्ट्राइक ऑफ द रॉक टू एक्सटेंड दैट द स्ट्राइक इज नोन। तो बेसिकली ये जो आप ग्रिडिंग कर रहे होते हैं ये ओरिजिनली आपके जितना स्ट्राइक लाइंस हैं उसके ये परपेंडिकुलर लिया जाती हैं, ताकि आप मैक्सिमम जो है एक्सपोजर्स को जो है वो आप स्टडी कर सकें, ठीक हो गया। तो उसने ये कहा कि जिस टाइम एक जनरल रूल ये है कि ग्रिड यूज फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन डू नॉट हैव टू बी एस्टेब्लिश्ड विद एक्सट्रीम एक्यूरेसी के तौर पे, ठीक है। इसकी उसकी वजह ये है कि इसमें जिस टाइम एक मीटर या सो फार की करेक्शन आपके पास पोजीशन जो है वो एक्सेप्टेबल है, ठीक। एक्यूरेट पोजीशन पे ही आपने जो है उसको अगर ग्रिडिंग नहीं कह रहे, ठीक, तो उसमें अगर एक आध मीटर का कोई फर्क भी पड़ रहा है तो वो जो है एक्सेप्टेबल है जिस टाइम अगर आप मिनरल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें जो है कलेक्टिवली बाद में जिस टाइम आप जियोलॉजी या फिर आप जियोकेमिस्ट्री या फिर ड्रिल होल वगैरह कर रहे हैं ना, तो वो स्टिल जो है वो इसके साथ कोरिलेटेबल होते हैं। 1 meter का एरर जो है आपके पास, अराउंड 1 meter का, तो वो आपके पास जो है वो एक्सेप्टेबल होता है। तो इसके अगर आप कम्युलेटिव एरर, क्योंकि अगर छोटा छोटा एरर हो, ठीक है, तो वो एंड लेटर ऑन एंड में वो कलेक्टिवली जो है आपके पास एक लार्जर एरर बन जाता है, ठीक है। तो उसको रिमूव ऑफ करने के लिए इसने जो कहा है कि ये बेस्ट जो आपके पास टेक्निक है वो ये कि ग्रिड शुड बी एस्टेब्लिश्ड बाय फर्स्ट सर्वेइंग द बेस लाइन एट राइट एंगल टू द प्रपोज ग्रिड लाइन, ठीक है। कि जो आप ग्रिड जनरेट कर रहे हैं तो वो ग्रिड भी आप जो है अगर प्लेन टेबल के थ्रू कर रहे हैं तो आप इसे एक उसको जो है एक बेस लाइन जनरेट करेंगे। ये बेस लाइन जो है शुड बी परपेंडिकुलर टू द ग्रिड लाइंस, ठीक है। जो ग्रिड लाइंस आप जनरेट करेंगे लेटर ऑन, तो उसके लिए बेस्ट ये है कि इसकी जो बेस लाइन है आपकी वो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। उससे फायदा ये होगा कि जो स्मॉल एरर्स होते हैं जो बाद में
उसकी वजह ये है कि अगर इसमें आपके पास 1 मीटर का शिफ्ट आ रहा है और इसमें भी 1 मीटर का शिफ्ट आ रहा है राइट साइड पे, तो ये कम्युलेटिवली आपके पास कितना आ गया, यहाँ पे 2 मीटर का शिफ्ट आ जाता है। ठीक है, उसी तरह अगर इसमें भी 1 मीटर का शिफ्ट आ रहा है तो ये कम्युलेटिव आपके पास एडिशन में कितना आ गया, 3 मीटर का शिफ्ट आ रहा है। ठीक है, तो इनको रिमूव करने के लिए आप जो इसकी पैकिंग करते हैं या जो ग्रेड बना रहे होते हैं, तो वो उसने कहा कि अगर आपके पास फुल प्रिसीजन के बावजूद 1 मीटर का भी एरर आ रहा है, क्योंकि ह्यूमन एरर आ जाता है या मशीन का एरर भी आ जाता है, तो वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन आप इसको फिर भी कंट्रोल करने के लिए कि आप जो आपका डेटा सेट है, आप जो पैकिंग कर रहे हैं वहाँ पे ग्रेड बना रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए आइडियल ये है कि आप उसकी जो बेस लाइन एक जनरेट करें, वो बेस लाइन जो है इनके परपेंडिकुलर हो, ताकि कम्युलेटिव इफेक्ट एंड में जो है वो मिनिमम ही रहे, ये ना हो कि वो इंक्रीज होता जा रहा है मल्टीपल्स के साथ। तो इसमें उसने कहा कि जहाँ पे आपके पास डेंस वेजिटेशन हो या रगेड टोपोग्राफी हो, मीन टू से कि जहाँ पे आपके पास एलिवेशन बहुत ज्यादा, एलिवेशन एंड स्टीप्स वगैरह बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा माउंटेन्स वगैरह का एरिया है, जहाँ पे आपको बैक साइटिंग थोड़ा प्रॉब्लम बन जाती है, मीन टू से कि आपको दोबारा जो है अगर पिछले पैक को आप देख रहे हैं, या फिर आप देख रहे हैं कि आप मैंने आपको कहा कि जो पैक लाइंस होते हैं, पैक पॉइंट्स, लाजमी नहीं कि आपने इन्हीं के ऊपर जो है वो सर्वे करना होता है कि यार आप यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे रीडिंग दे रहे होते हैं। ठीक है, जो पैक लाइंस हैं इनका कोई लेना देना नहीं है एक्सपोजर्स के साथ। ठीक, आप जो वो करेंगे इंटेलिजेंस मैपिंग, वो आप मैपिंग कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंट आउटक्रॉप्स। ठीक है, अगर सिग्निफिकेंट आउटक्रॉप है तो वो लाजमी नहीं है कि वो इसके ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा उस पैक के करीब। अगर नहीं भी कर रहा तो आपने सिग्निफिकेंट को ही से आपने स्टडी करना है और उसी के ऊपर आपने टाइम जो है वो ज्यादा स्पेंड आउट करना है। ठीक है, तो इसलिए आपको मैंने चूंकि कहा कि इस ग्रिड के अंदर ही आपने रहना है, आपने स्टार्ट में जिस टाइम ग्रेडिंग कर रहे हैं तो वो उस ग्रिड को आप अपने जो आपकी डिजायरेबल एक्सपोजर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली ही आपने स्प्रेड करना है। अगर आप ज्यादा एरिया आप स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप ग्रिड जो है वो ज्यादा एरिया तक फैला दें। ठीक, तो इन एनी केस जो है आपने उसे रेफरेंस पैक करना होता है। ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ तो मैं उसके करीब का पोर्शन जो है या यहाँ पे है तो इसके करीब रेफरेंस पॉइंट में कौन कौन से ग्रिड्स हैं। ठीक है, स्टेक्स जो है, तो इसलिए आपको कम अज कम अगर आप डेंस वेजिटेशन में काम कर रहे हैं या फिर आप उसमें काम कर रहे हैं क्या नाम है किसी हिली एरिया में जहाँ पे टोपोग्राफी में वेरिएशन बहुत ज्यादा आ रही है तो आपको साइड बैक नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप शॉर्ट क्रॉस लाइंस बना सकते हैं यूजिंग कंपस एंड टेप मेथड। जो नेक्स्ट मेथड है इसके बाद हम पढ़ेंगे वो कंपस एंड टेप मेथड है। ठीक है, उसमें आपको डिफाइन हो जाएगा कि कंपस एंड टेप मेथड में वो करते क्या है। वो बेसिकली वो सिंपली जो है बीरिंग ले रहे होते हैं और उसमें साथ में जो है उसकी मेजरमेंट कर रहे होते हैं। सही है, यस सर। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि अगर ग्रिड लाइंस आपके पास 1 किलोमीटर तक लंबी है, ठीक है, और आप जो है उससे ज्यादा डिस्टेंस पे आ गए हैं, तो ये जो कंपस एंड टेप सर्वे है ये आपको जो है अनएक्सेप्टेबल कम्युलेटिव एरर डाल सकता है। ठीक है, इसलिए अगर आपका डिस्टेंस बहुत ज्यादा अवे हो गया इससे तो फिर आपके पास जो रिकमेंडेड है, अब फॉर एग्जांपल ज्यादा इस ग्रिड से दूर हो गए, ठीक है, या फिर ग्रिड की उसकी स्पेसिंग बहुत ज्यादा है, ठीक, तो उस केसेस में अगर आप ये जो कंपस एंड टेप मेथड करेंगे इसमें एरर आते हैं। ठीक है, प्लेन टेबल जो होता है वो आपके पास मोस्ट एक्यूरेट होता है, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, साथ में उसके आपके एक एडिशनल बंदा चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन वो आपके पास एक्यूरेसी में हाई होता है, उसी के कंपेटिबिलिटी में आपके पास थ्योरी लाइट आ जाता है। थ्योरी लाइट इस तरह है कि वो मजीद सोफिस्टिकेटेड है और लेस टाइम कंज्यूमिंग है एज कम्पेयर टू प्लेन टेबल। ठीक है, लेकिन अगर आप ज्यादा एफिशिएंटली जल्दी काम करना चाह रहे हैं लेकिन उसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम, उस पे का आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं, तो फिर आप टेप एंड कंपस मेथड यूज करेंगे। तो वही वो कह रहा है कि अगर आप डेंस एरिया में कर रहे हैं और अगर आप उससे थोड़ा दूर रहे हो जाते हैं
तो आप उसको ट्रेस पैक करने के लिए आप उसकी बीरिंग लेंगे, ठीक है, टेप एंड कंपस से। लेकिन अगर वो एरिया बहुत ज्यादा आपका जो है डिस्टेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, तो वो ये जो कंपस वाला काम है ये आपको एरर जनरेट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि कंपस जो है, मैंने आपको बताया था कि कंपस जो है उसका लेना देना नहीं है कि आपको नॉर्थ बताए, ठीक है। वो जो आपके पास मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, फ्लक्स लाइंस, वो उनको फॉलो कर रही होती है, ठीक है। तो अगर आप पोलर रीजन में जाएंगे, जितना आप पोलर रीजन पे जाएंगे यहाँ पर से, क्योंकि पोल्स के अलोंग जो है ये यहाँ पे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होती है, वहां से ये एमिट कर रही है और यहाँ पे जो है ये दोबारा एंटर हो रही होती है साउथ पोल से। तो यहाँ पे जो आपके पास मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है जो पोल्स के अलॉन्ग है वो ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा होगी उतना आपका एरर ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो आप ट्रेसिंग कर रहे होते हैं और उसको लेटर ऑन जिस टाइम आपको जो बीरिंग होती है, बीरिंग बेसिकली क्या होती है, उस फीचर का आपका एंगल विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, ये बीरिंग होती है ना। तो अगर उसमें आपके पास वो आ रहा है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन भी एड अप हो रही है और वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है, तो लेटर ऑन आप इस फीचर को यहाँ पे प्लॉट कर देंगे, ठीक है। तो ये एक उसमें एरर के चांसेस आते हैं कंपस वाले में, कंपस एंड टेप वाले में। उसके अलावा एक प्रॉब्लम ये आता है कि जिस टाइम आप एक हिली एरिया पर या स्लोप एरिया में काम कर रहे हैं, तो वहां पे जो आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, और दैट डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो एट द एंड मैंने आपको कहा कि जो हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे होते हैं, एरियल डिस्टेंस फाइंड कर रहे होते हैं। एरियल डिस्टेंस क्या होता है, जो फ्लाइट डिस्टेंस होता है, ठीक है, दो पॉइंट्स के दरमियान जो है फ्लाइट डिस्टेंस है, ठीक है। उसी तरह जिस टाइम आप स्लोप पे डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो स्लोप के ऊपर जो है अगर 10 किलोमीटर आपने यहां से यहां तक आपने डिस्टेंस मेजर किया 10 मीटर कर देते हैं, ठीक है, दैट इज नॉट इक्वल टू 10 मीटर ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे आपके पास जो है स्लो फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। तो इसके लिए फार्मूला होता है, कंपस के साथ आप जब भी काम कर रहे होंगे, एक चीज आपने मस्ट काम करनी है कि आपने उसकी डिक्लिनेशन फाइंड करनी है। डिक्लिनेशन को आपने डेटा में से रिमूव करना है, आइदर आप उसकी डिक्लिनेशन पहले आप फाइंड करके जाएं, इंटरनेट के थ्रू होता होगा, ठीक है। आप अपने एरिया का ग्रेड दें तो वहां पे वो बता देगा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कितनी है, उसे ड्यूरिंग द फील्ड उसको रिमूव करें, या फिर वापस आके आप कम्युलेटिव सारे डेटा में से उसे रिमूव करेंगे। नहीं तो आपके पास जो है ये वाला जो सिनेरियो मैंने आपको अभी शो किया है, ये वाला सिनेरियो आपके पास हो जाएगा, ठीक है। आपके जितने पॉइंट्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे किसी एक डायरेक्शन में, ठीक। सेकेंडली ये होता है कि जैसे आप स्लोप पे काम कर रहे हैं, तो स्लोप का जो आपका डिस्टेंस है वो दैट इज नॉट इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। ये और ये आपस में बराबर नहीं होते, ये तो आपने सिंपल ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा होगा, बेस इज नॉट इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, वो क्या होता है फार्मूला, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये है ना फार्मूला, है ना यार। यस सर, यस सर। तो इसलिए आपका जो हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ आप ये इसी फार्मूला के थ्रू देख रहे हैं कि वो उसकी लेंथ जो है इन दोनों का कंपोजिट आता है, ठीक। तो इसके लिए फार्मूला ये होता है कि हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज करते हैं कि हम अगर किसी स्लोप पे काम कर रहे हैं, तो ये आपके पास इतना जो डिस्टेंस है, ये आपका हाइपोटेन्यूज का आ गया, ये आपके पास बेस आ गई, ये आपके पास परपेंडिकुलर आ गया, ये आपके पास थीटा एंगल आ गया। तो हमने बेस फाइंड करनी है और हमारा जो काम है ये कि आपके पास जो वैल्यूज हैं वो एच की हैं,
ठीक है, हाइपोटेन्यूज की जो आप स्लोप के ऊपर मूव कर रहे हैं, साथ में आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आप कंपस से फाइंड करेंगे स्लोप, ठीक है, वो जो डिप होती है वो बेसिकली स्लोप होती है ना। तो आप स्लोप फाइंड करने के लिए आप दो जो आपके ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं उन दोनों के दरमियान आपने जो है स्लोप फाइंड करना है यूजिंग कंपस, जो जिस तरह सिंपली जो है आप डिप फाइंड करते हैं, ठीक है। डिप फाइंड करने का तरीका तो आता है ना आप लोगों को, उसका ईस्ट जो एज होता है आपके पास जो कंपस होती है उसके ईस्ट एज पे उसको आप लगाते हैं, तो यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल बबल होता है, उसको आप मूव करते हैं बैक साइड पे आर्म होती है, तो जहाँ पे उसका बबल जो है वो सेंटर हो जाता है, दैट इज द स्लोप, दैट इज द डिप, ठीक है। तो आपके पास कौन सी वैल्यूज है, आपके पास एच की वैल्यू है, आपके पास थीटा की वैल्यू है, और आपने फाइंड क्या करना है, आपने बेस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो कौन से फार्मूला होता है जो इसके ऊपर लगेगा, some people have curly brown hairs till proper pressure, Pythagoras theorem, हाँ वो इस तरह की अंग्रेजी मुझे नहीं आती, मुझे सिंपली इतना ये पता है cos theta use करेंगे ना, तो cos theta is equal to curly brown hair base into hypotenuse, ठीक है, तो base का आपके पास क्या आ जाएगी, h into cos theta, ठीक है। तो जितना आपने डिस्टेंस मेजर किया है स्लोप के अलॉन्ग, उस डिस्टेंस को आप स्लोप के एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे उसका कॉज निकाल के, तो आपके पास जो है रियल टाइम जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो आपके पास फाइंड हो जाएगा, ठीक है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है यहाँ पे, ये उसने एक टेबल दिया हुआ है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था लास्ट टाइम भी जब मैं वो क्लास में पढ़ा रहा था, ये आपके पास जितने हैं ना ये आपके पास स्लोप के डिस्टेंसेस हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास एंगल्स हैं, ठीक है, इनका अगर आप कॉस ले लें तो कॉस थीटा, ठीक है, और इसको जिस टाइम आप इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको जो है कम्युलेटिवली ये आपको ये शो करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस। ये एक उसने जनरल एक टेबल शो किया हुआ है कि अगर आप इनको यूज कर लें फील्ड में तो आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना पड़ेगा, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप सिंपली कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, हर मोबाइल में आपके पास जो कैलकुलेटर है उसमें आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर भी आ जाता है, ठीक है। तो सिंपली आपने करना क्या है जो दो पॉइंट्स हैं उनका स्लोप फाइंड करना है, ठीक। स्लोप फाइंड करने के जो है तरीके वो दूसरी बुक में लिखे हुए हैं, सिंपली ये है कि आप उसके इनिशियल पॉइंट पे, अब क्योंकि अगर लंबा है, अगर आप 30 मीटर पे काम कर रहे हैं तो 30 मीटर में आप बेस्ट ये है कि आप यहाँ पे एक कॉपी रखें, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली कंपास को आप सरफेस पे रखेंगे तो सरफेस जो होती है आपके पास इरेगुलर होती है, ठीक है, तो चांसेस हैं कि आप जो है वो गलत स्लोप ले रहे हैं, ठीक। तो बेस्ट ये है कि आपका जो अपना फील्ड का जो गत्ता है वो आपके पास एक रेगुलर आपके पास सरफेस दे रही होती है ना, तो उसको आप यहाँ पे रखें, यहाँ पे आप ब्रंटन रख के उसकी स्लोप फाइंड कर लें, यहाँ पे आप ब्रंटन रख के उसकी स्लोप फाइंड कर लें, और ये आपके पास थर्ड आ गया, ठीक है। दरमियान में भी एक पॉइंट पे ले लें मोर एक्यूरेटली करने के लिए, अगर आप मोर एक्यूरेट कर रहे हैं तो इन तीनों का आप जो है एवरेज आउट कर लें, यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जाम्पल जो है 30 आ रही है, यहाँ पे आपके पास जो है वो आ रहा है 40 आ रहा है, यहाँ पे आपके पास 50 आ रहा है, तो करना क्या है 30 प्लस 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, तो ये आपको उसकी कम्युलेटिव एवरेज स्लोप दे देगा, ठीक है, एवरेज थीटा की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, ये चीज समझ आई? यस सर, ठीक है। जब लेक्चर खत्म होगा तो मैं दूसरी बुक जो है वो ऑन करके तो उसके साथ आपको बता दूंगा कि एक दफा फिर हम देख लेंगे कि स्लोप को कैसे फाइंड किया जाता है डिप को। तो ये टेबल यूज करना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये उल्टा कंफ्यूज ही करता है, इससे अच्छा ये कि सिंपल वही वाला फार्मूला यूज कर लें। तो
इसके अलावा अगर आप के पास कंटूर मैप अवेलेबल नहीं है तो इन्हीं स्लोप्स को यूज करके, जो आपने डिफरेंट पेग्स के ऊपर आपने स्लोप ली है, ठीक है, आपके पास यही डिप का आपने सिंपली लेना है कि आपके ये एक पॉइंट है, दूसरा पैग ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है आपके पास, इनके ऊपर आप सिंपली अगर स्लोप नोट करते जा रहे हैं, स्लोप की वैल्यूज मतलब डिप की वैल्यूज आप जो है वो नोट करते जा रहे हैं, तो उनको जिस टाइम लेटर ऑन आप सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो ये आपको वहाँ का कंटूर मैप बना के दे देगा, स्लोप कंटूर मैप, ठीक है। बाद में आपको मैं एक ट्रिकी ट्रिक भी बताऊंगा कि अगर आप सिंपली ये सारी चीजें ब्रंटन वगैरह थोड़ी कम यूज करना चाहते हैं तो आप इसको वो यूज कर सकते हैं, क्या नाम है, जीपीएस भी यूज कर सकते हैं इन चीजों के लिए। तो वो उन्होंने कहा कि स्लोप जो है वो बेसिकली जो ग्रिड स्पेसिंग है आप जो रख रहे हैं वो आइडियली आपको रखना चाहिए 20 मीटर्स का, ठीक है, कि जिनमें जो डिस्टेंस है वो आपके पास जो है वो 20 मीटर का डिस्टेंस हो, ठीक है। उसका फायदा ये होता है कि लेटर ऑन जो है वो 50 का मल्टीपल बन जाता है, क्योंकि आप ये 20-20 के जिस टाइम करेंगे 20+20+20 तो ये कम्युलेटिवली आपके पास क्या आ गया, 100 मीटर आ गया, तो 100 को इज डिवाइडेबल बाय 50 मीटर, ठीक है। उसी तरह अगर आप 30-30 के लिख रहे हैं तो ये आपके पास 90 आ जाएगा, 90 इज नॉट डिवाइडेड बाय 50, ठीक है, वो आपके पास रेशियो में आ जाएगा, ठीक है। तो आइडियली ये है कि अगर आप 20-20 के रख रहे हैं तो लेटर ऑन अगर आप उसकी फर्दर जो है आप उसको डिवीजन करना चाह रहे हैं, थोड़ी आप उसकी वाइड डिवीजन करना चाह रहे हैं तो आप उसकी 50-50 की डिवीजन भी उसके कर सकते हैं, ठीक। तो ओरिजिनली तो आपके पास यही 20 मीटर्स की स्पेसिंग आ रही है, लेकिन लेटर ऑन अगर आप इसको जो है वो करना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे 0.1 कर दें और यहाँ पे 0.50 कर दें, ठीक है, और फर्दर जो है टॉप पे आप जो है 0.100 कर दें, ठीक है। उसकी वजह ये है कि अगर आप 2020 को जिस टाइम आप दोबारा रीप्रोजेक्ट करेंगे मैप के ऊपर तो वो क्लस्टर बहुत बन जाता है, ठीक है, वो फिर आपके पास मैप के ऊपर इस तरह का शो हो रहा होता है। तो उसकी डेंसिटी रिमूव करने के लिए, उसकी डेंसिटी जो है वो उसको थोड़ा रिड्यूस करने के लिए आप इसमें से कर सकते हैं कि आप 50-50 मीटर के इंटरवल के सिंपली शो हों आपके पास, डेटा आपके पास जो जिससे कंटूर बना रहे हैं या डेटा जो आपने इनकॉर्पोरेट किया है उसके लिए, चाहे आपने मैग्नेटिक के लिए कंटूरिंग बना रहे हैं या मैग्नेटिक डेटा की इम्पोजिंग कर रहे हैं, उसकी खैर है कि आप 20 के ही उसका डेटा यूज होगा, लेकिन डिस्प्ले में आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप उसको जो है इवन पे कन्वर्ट कर दें या ऑड पे कन्वर्ट कर दें, या फिर जो है आप डिस्प्ले जो स्टेशन नंबर है वो आपके पास सिंपली 50-50 के इंटरवल से हो, ठीक है, 0-50-100 के इंटरवल से। उससे ये होगा कि ये जो अननेसेसरी है पॉइंट्स, ठीक है, ये जो है ये इनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो वो आपके पास बजाय इस तरह का मैश बनने का, खिचड़ी का, इसके अंदर जो है आपके जो डेटा आपने बीच में इंप्लांट कर रहे हैं, ठीक है, वो ओवरलैपिंग के चांसेस बहुत सारे आ रहे हैं कि उसमें आपके पास डेटा इतना विजिबल नहीं आ रहा। उसके बजाय अगर आप इसकी जिस टाइम स्पेसिंग इंक्रीज कर देते हैं डिस्प्ले में, कि मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऑन रियल ग्राउंड आप 20 मीटर के ही आप रखेंगे, ठीक है, लेकिन जिस टाइम आप डिस्प्ले कर रहे हैं उसको मैप की फॉर्म में लेटर ऑन इंटरप्रिटेशन के जिस टाइम स्टेजेस हैं उसमें, तो उसमें आप इसे 50 पे या 100 पे भी आप इनको डिस्प्ले कर सकते हैं। समझ आई? यस सर। तो ये जो आप बनाएंगे ग्रिड वो 2020 पे ही बना लें, ठीक है, 20 मीटर के उस पे जितना क्लस्टर हो। उसकी वजह यह है कि जितना पॉइंट्स नजदीक होंगे उतना आपके पास चांसेस ये है कि डेटा उतना कंट्रोल्ड आएगा आपके ऊपर पास, ठीक है। उसके बजाय क्योंकि आपके पास एक ये है पॉइंट, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इनके दरमियान अगर आप डेटा अपना कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आपने डेटा कलेक्ट किया तो आपके पास ये भी एक्सेसिबल है, ये पॉइंट भी एक्सेसिबल है,
जिनको आप ट्रायंगुलेट करके तो अपने आप को लोकेट करके इस पोजीशन पे आप रियल टाइम में वहां पे जो मैप बना रहे हैं उसमें आप अपने आप को शो कर सकते हैं। बजाय इसके अगर स्पेसिंग ज्यादा हो जाती है, यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक, तो इसमें इशू क्या आता है कि जिस टाइम अगर आपका ये पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पर से इनको रीलोकेट करना, ये एक तो आपको ट्रायंगुलेशन चाहिए होंगी बहुत ज़्यादा, और सेकंडली जो है जिस टाइम अगर आप कंपस एंड टेप मेथड यूज़ कर रहे हैं ट्रायंगुलेशन के लिए तो उसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं कि आप जो डेटा पॉइंट अपना ले रहे हैं वो डेटा पॉइंट जो है वो एक्यूरेटली मार्क वहाँ पर ना हो। इसलिए जितना क्लोज होगा उतना ज़्यादा बेहतर है, कि ऑब्वियसली आप जो अपनी ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं वो इसी के अंदर अंदर ही कर रहे हैं। तो वो उसने कहा कि तो आप जो यूज करें वो यूटीएम पर यूज करें, ठीक है। यूटीएम का मैंने आपको पहले ही बताया कि वो मीट्रिक के ऊपर है और वो मीटर्स के ऊपर काम कर रहा होता है। तो उसका फायदा ये है कि जिस टाइम आप उसे यूज कर रहे होंगे तो सिंपली जो टैग है उसके ऊपर आप, आपको अगर स्टार्ट में जो है जो आपका यूनिवर्सल ग्रिड है उसे आप फाइंड कर लेते हैं तो यूटीएम जो आपके पास आ रहा होता है ना उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास कोई ऑलमोस्ट सिक्स से एट डिजिट्स की होती है, जिस तरह 3, 4, 5, 7, 9, 8। तो इन सारों को लिखने के बजाय आपने ये देख लिया, क्योंकि वो जो आपके पास स्टेक है जो मैंने आपको बताया वो लाजमी नहीं है कि वो आप जो है उसको तकरीबन 1 फुट का ही स्टेक लगाएं। 1 फुट का स्टेक लगेगा तो उसके ऊपर तो ये आप इजीली मार कर सकते हैं ना। तो नॉर्मली वो फटियां सी होती हैं, छोटी छोटी सी, ठीक है, 1 से 2 इंच की फटियां होती हैं, ठीक। उन फटियों के ऊपर जो है आपने वहां पे ये लिखना होता है 3, 5 वगैरह, ये सारा इतना लंबा लिखने के साथ आपने उसके ऊपर जो है स्टेक नंबर भी लिखना है। तो बेहतर ये है कि अगर आप वो उस एरिया में जो ग्रिड का है कि आपको पता है कि इसके जो स्टार्टिंग के वो होते हैं ना डिजिट ये कांस्टेंट रहते हैं, जो वेरिएशन आ रही होती है ये आखिरी 2 डिजिट्स में और फिर ये तीसरे डिजिट में फिर ये चौथे डिजिट में वो कमुलेट होके आ रहा होता है, ठीक। तो इसलिए आप अगर अपना जो उस एरिया है उसमें अगर आप जनरल जो उसका ग्रिड रेफरेंस है वो पहले ही फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपको जो स्टेक्स हैं उनके ऊपर सिंपली फाइनल के 4 डिजिट्स जो है ना 5, 7, 9, 8 यही सिंपली उनके ऊपर इंप्रिंट कर दें तो भी आपका काम चलेगा। समझ आई? उसके अलावा इसमें जो ये जो हम अभी पढ़ रहे थे ये प्री रिक्विजिट्स थे उसके ना, तो उसके अलावा आपने करना क्या है कि आपने उन जो पैग्स है उनको क्लियरली लेबल करना है। और उसके अलावा वुडन इसलिए यूज किए जाते हैं कि थोड़े चीपर भी होते हैं और उसके अलावा जो है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होते हैं, ठीक है। अगर आप ज्यादा परमानेंट सर्वे कर रहे हैं कि आपको वहां पे तकरीबन 5-6 महीने लग जाएंगे तो उसके लिए फिर आप जो है वो एल्युमिनियम वगैरह के स्टाफ वगैरह या फिर जो आपके पास मेटालिक हैं वो आप स्टील वगैरह के वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्टील के उन एरियाज में भी यूज होते हैं जहाँ पे जो फॉरेस्ट फायर है ना, वो बाज़ दफ़ा जैसे एरिजोना वगैरह की आई थिंक है फॉरेस्ट, उनमें जो है वो हीट की वजह से नेचुरली ही वहाँ पे आग लग जाती है। तो अगर आप ऑब्वियसली वुडन स्टेक्स आपने यूज किए हैं तो वो भी साथ में बर्न आउट हो जाएंगे, तो स्टील के इन दोज केसेस में यूज होते हैं। एक केस ये कि वो आप जो है वो लॉन्गर टाइम के लिए उसे उन्हें जो है वो इन प्लेस रखना चाह रहे हैं। सेकंडली ये कि अगर वो एनवायरनमेंट ऐसी है कि वहां पे फायर जो है उसके चांसेस आते हैं तो उन्हीं इलाकों में आप जो है वो फिर जो पेग्स हैं वो आप स्टील के बना के लगाएंगे। मैप कैसे बनाते हैं? मैप बनाने के लिए वो सिंपली A3 या A4 साइज के जो ग्राफ पेपर होता है ना वो यूज होता है, ठीक। क्योंकि हमने ये ग्रिड में बनाया हुआ है इसलिए ये प्रॉपरली एक उसके अलॉन्ग जो है ना आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं ग्राफ पेपर के अलॉन्ग,
ठीक है, ये रेगुलर नहीं है, ये रेगुलर इंटरवल के साथ ये लगे हुए हैं जो पैग्स हमने लगाए हुए हैं। उसके अलावा आप हैवी पेपर वगैरह यूज करें, उसने कहा कि जो पेपर आप ग्राफ पेपर यूज कर रहे हैं उसमें कोशिश करें कि जो उसका जो स्मॉल बॉक्स बिग बॉक्स बनता है ना, ठीक है, एक बिग बॉक्स होता है उसके अंदर जो है स्मॉल बॉक्सेस बने होते हैं। अब सब ने ग्राफ पेपर देखे हुए हैं, यस सर, यूज भी किए हुए हैं, यस सर, ठीक है। ये स्मॉल बॉक्स होते हैं, इनकी मोस्टली जो है डिवीजन 10 डिवीजन होती है, और ये आपके पास बड़े बॉक्स होते हैं, तो कोशिश करें कि ये जो आपके पास बड़ा बॉक्स है ये 1 सेंटीमीटर का हो, ठीक है। उसका फायदा ये होगा कि जिस टाइम आप स्केल को उसके ऊपर यूज कर रहे हैं ना, जो हमने कल भी जिस तरह वो मैपिंग की टेक्निक कर रहे थे, तो उसमें हमने स्केल जो है वो खुद से जनरेट किया था कि 30 मीटर जो है इज इक्वल टू, अगर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर है तो आपके पास 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 मीटर हो जाएगा, सिंपल है ना। तो इसलिए हम जो है कोशिश करें कि हमारे पास जो बॉक्स हैं वो 1 सेंटीमीटर के हों, तो उसका फायदा ये होगा कि आपको बार बार स्केल यूज करने की जरूरत नहीं होगी। अगर यहाँ से 30 मीटर यहाँ पे ऊपर है तो मुझे करना क्या है, मुझे सिंपली 3 बॉक्सेस जो है ना बिग बॉक्सेस इनको फिलअप करना है, ठीक है। तो इसके एक सिंपल हैक में ये आ जाता है कि आप जिस टाइम फील्ड स्टार्ट करने लगे हैं तो आपने वो 1 सेंटीमीटर का जो बॉक्सेस हैं उसका ग्राफ लिया हुआ है, तो उसकी जो नोड्स हैं इसके ऊपर, नोड ये कि जो इसके किनारे हैं इनके ऊपर आप उनका ग्रिड नंबर जो है उनको पेस्ट कर दें, ठीक है। स्टेक नंबर यहाँ पे आप डाल दें, या यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 है, यहाँ पे 20 आ रहा है 21 आ रहा है 22 आ रहा है। उसके अलावा आपको पता लग जाएगा कि ऑटोमेटिकली आपका जो मैप बन रहा है वो इन्हीं के अलावा जो है वो मूव आउट कर रहे हैं, आप स्केच कर रहे हैं उसकी बाउंड्री को, ठीक है। उसके अलावा जो है इनकी पोजीशन जो है वो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द चोजन स्केल आप इसके ऊपर इम्प्लेस कर सकते हैं। अगर आपने वही 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर किया हुआ है तो आपका जो ग्रिड है अगर वो आपने 20 के ऊपर किया हुआ है, ठीक है, जो हमने कहा पिछले उस पे पेज में बात की कि जो ग्रिड है उसकी स्पेसिंग आइडियल 20 मीटर की है, तो आपके पास क्या 2 बॉक्सेस बन जाएंगे, ठीक। तो एक आपका यहाँ पे पैग आ गया, दूसरा आपका पैग यहाँ पे आ गया, प्री डिफाइंड जो आपका स्केल है उसके मुताबिक ये ग्राफ पेपर के ऊपर इनकी इम्प्लेसमेंट हो जाएगी। उसके अलावा उसने ये कहा कि बाद दफा आपका मैप जो है, क्योंकि ये A4 साइज का आप कर रहे हैं, तो A4 साइज के ऊपर ही अगर आप सारे के सारे मैप को इम्पोज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको स्केल बहुत छोटा यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप स्केल जो है नॉमिनल यूज कर रहे हैं जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर की को, तो वो फिर आपको मल्टीपल पेजेस भी यूज हो सकते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप जितने मैप्स हैं उनको आप टैगिंग कर दें, ठीक है, उनके ऊपर आप जो है लेबल कर दें कि ये Sheet number 1 है, ये Sheet number 2 है, ये Sheet number 3 है, ठीक, समझ आई आपकी मल्टीपल शीट्स बन रही है ना, ठीक है। आप जो है फर्स्ट जो है उसका आप बना लें कि अपने पास एक कंपोजिट मैप सा बना लें, जिसे हमने वो फोटोजियोलॉजी में किया था कि आप एक बड़ा मैप, बड़ी पिक्चर को अगर जैसे हम आप क्रॉप कर रहे हैं तो आप उनको A1 A B C D E F में कोड देने दे दें, ताकि लेटर ऑन जैसे हम आप प्लेस कर रहे हो तो A को आप यहाँ पे प्लेस करेंगे, D को आप जो है यहाँ पे प्लेस करेंगे, और ये अगर आपके पास F है तो इसको आप यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो ये आपके पास एक कंपोजिट मैप, जो रीजनल मैप बड़े वाला मैप है ना उसकी फिगर आपके पास बन जाएगी, ठीक है।
तो इसके अलावा जो कह रहे हैं कि वो स्टार्टिंग में जिस टाइम आप मैप वगैरह बना रहे हैं, सर्वेयर मैप बना रहे हैं, तो उसमें जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जो है वो यूजफुल हो सकती है, जिसमें आपके पास रिज लाइंस वगैरह हो सकती हैं, स्ट्रीम के ट्रैक्स हो सकते हैं, उसके अलावा जो है फेंस लाइंस वगैरह हो सकती हैं। तो आगे एक एग्जाम्पल उसने बताई हुई है, 10 x 10 to 50 meter का उसने पैक ग्रिड जो है वो यूज किया, उसमें उसने पैक फेंस लाइंस वगैरह ये सारी चीजें इसमें यूज उसने शो की हुई हैं। ठीक है, तो ये इसमें देखें आप, ये पैक की लोकेशन है। ठीक है, इसके अलावा भी ये आपके पास पैक की लोकेशन से उसने मार्क की हुई है। ठीक, उसके अलॉन्ग जो है इसने अपना जियोलॉजिकल सर्वे यहाँ पे कंडक्ट किया हुआ है, उनसे ये ट्रेसिंग वगैरह करके वो कर रहा है। ठीक है, बीरिंग वगैरह करके उसकी ट्रेसिंग कर रहा है। तो वो उसने ये कहा कि जनरल रूल ये है कि आपका जो पैग होता है उसका एक आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो दे रहा होता है, वो बेसिकली आपका ग्रेड होता है। ठीक है, मैप ग्रेड है, उसका कोई लेना देना नहीं है कि आप जो है उसकी ट्रेवर्स लाइंस भी उसके ऊपर जो है प्री डिटरमिन कर दें। आपकी ट्रेवर्स लाइन जो है वो डिपेंड कर रही होती है अक्रॉस द स्ट्राइक। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप जियोलॉजी ले रहे हैं या फिर जियोकेमिकल सैम्पलिंग ले रहे हैं या कुछ और आप करना चाह रहे हैं, तो लाजमी नहीं आप उन्हीं को आप फॉलो अप करें। इस पैग में सिर्फ एक प्रॉब्लम ये है कि इस पैग सर्वे में कि बार दफ़ा आप इसे कंफ्यूज कर लेते हैं, एक लेटर पॉइंट बंदा आता है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट टीम्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जियोलॉजी वाला आके जियोलॉजिकल मैप बना के जाएगा, जियोफिजिक्स वाला जियोफिजिक्स के आके वहाँ पे अपना सर्वे कंडक्ट करके जाएगा, चाहे ग्रेविटी का है, मैग्नेटिक का है या साइजमिक का है। ठीक, उसके अलावा फिर जियो केमिस्ट्री वाला अलादा आके अपनी सैम्पलिंग करके जा रहा है, तो वो बार दफ़ा वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि यार ये क्या बता, ऑलरेडी सर्वेयर ने ये पॉइंट्स हमारे लिए जो है प्री डिटरमिन किए हुए हैं कि इन्हीं पॉइंट पर से सैंपल उठाना है, और वहाँ पे अगर आपके जो है सिग्निफिकेंट कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उसके बावजूद आप वहाँ पर से उठा रहे हैं तो ये जस्ट वेस्ट ऑफ मनी है। ठीक, तो इसकी कन्फ्यूजन उसके साथ मत कीजिएगा, ये सिंपली एक आपका जो पैक ग्रिड होता है ये सिंपली ग्रिड शो कर रहा होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली आप अपना जो है ना, ये सिंपली आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि अगर आप जीपीएस नहीं यूज कर रहे, आपके पास जीपीएस नहीं है। ठीक, ये उन जमानों की टेक्निक है जिस जमाने में जीपीएस इतना आम नहीं था, तो इन केस अगर आपके पास जीपीएस नहीं है या आप हर बंदे को प्रोवाइड नहीं कर सकते, अगर जियोफिजिक्स वाला आया उसके पास जीपीएस नहीं है या जियो केमिस्ट्री वाला आया उसके पास जीपीएस नहीं है, तो वो अपने जो सैंपल वाले पोजीशंस हैं उनको ये करीब के जितने जो ग्रिड स्टैक लगे हुए हैं ना, इनसे अपने आप को डिटरमिन कर सकता है। समझ आई? तो अगर आप यही है, इसमें लेटर ऑन इसमें यही बताया हुआ है कि आप सिंपली अगर दो किसी पैक के करीब हैं तो वहाँ पे आप अपने आप को जो है कंपास से आप बीयरिंग लेके आप अपने आप को लोकेट कर सकते हैं, फिर उसका डिस्टेंस फाइंड करके आप वहाँ पे अपने आप को जो आपका मैप है उसके अकॉर्डिंगली आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डेटा ले रहे हैं, तो आप बीयरिंग लेके और उसका डिस्टेंस लेके आप अपने आप को ट्रायंगुलेट कर सकते हैं पोजिशन पे। ठीक, तो उसका ये है कि आप बीरिंग को जिस टाइम लेते हैं तो वो आपके पास सिंपली जो है वो एंगल आ रहा होता है, उस एंगल को आप ये पॉइंट है मैप के ऊपर। ठीक है, आपके पास फॉर एग्जांपल एंगल आ गया कितना, नॉर्थ 10 degree ईस्ट, तो आप यहाँ पे अपना प्रोटेक्टर रखेंगे, ये आपके पास ईस्ट का क्वाड्रेंट आ गया, ये आपके पास वेस्ट का क्वाड्रेंट आ गया, ये आपके पास नॉर्थ आ गया, तो यहाँ पर से सिंपली आपने क्या करना है, 10 degree पे आपने एक पॉइंट मार्क कर देना है, और उसके बाद स्केल के अकॉर्डिंगली आपने जितना भी डिस्टेंस मेजर करना था वो आप यहाँ पे मार्क कर देते हैं। ठीक है, वो अगर आपके पास सुंटो कंपस है तो सुंटो कंपस में ये चीज जो है वो आप ज्यादा इजिली कर सकते हैं, आपको फिर उसमें प्रोटेक्टर और रूलर की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा जो है आप इसमें जैसे
इस टाइम स्ट्रक्चर बाउंड्रीज वगैरह वो स्टडी करके आपने वो मार्क कर दी कि फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के ऊपर भी आपके पास सैंडस्टोन है, इस पॉइंट के ऊपर भी सैंडस्टोन है, ठीक है, तो आप इनकी स्ट्रक्चर बाउंड्री जो है वो पेंसिल से मार्क आउट कर सकते हैं. समझ आ गई? यस सर. कोई भी स्ट्रक्चर या जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो है वो आपके ऊपर इसके ऊपर इम्पोज कर सकते हैं. यहाँ पे उसने एक ट्रिकी चीज बताई है कि अगर आपके पास जो है एरिया, उसमें अगर आपके जो आउटक्रॉप्स हैं उनकी अगर वो स्लोप कम है, ठीक है, वो अगर वो प्लेनर एरियाज में काम कर रहे हैं तो वहां पे अगर आप डिप फाइंड करेंगे तो डिप जो है वो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देगी, ठीक है. और अगर किसी स्टीप एरिया में आपका आप कर रहे हैं तो स्टीप एरिया में उसने कहा कि अगर आप स्ट्राइक जो है उसको रीड आउट करके उसको आप इम्पोज कर रहे हैं तो स्ट्राइक जो है वो आपको ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकती है. इसके अलावा ऑब्वियसली आप जिस टाइम किसी भी पॉइंट पे मार्किंग करते हैं तो आप वहां पे उसके एट्रीब्यूट देख रहे होते हैं कि कोई भी फॉर्मेशन है वो उसका एट्रीब्यूट क्या है. एट्रीब्यूट ये कि उसकी स्ट्राइक क्या है और उसकी डिप क्या है. ये चीजें आपने मैप में, अगर जियोलॉजिकल मैप बना रहे हैं तो ये चीजें आप जो है प्री डिटरमाइंड जितने सिंबल्स हैं उसके थ्रू जो है आप उनको शो करते हैं. जैसा ये है आपके पास, ये है, ठीक है, ये आपके पास आ गया. इसके अलावा अगर आप इसमें फिलिंग करेंगे, अगर आपके पास जो है वो कॉन्टेक्ट बोर क्लियर है तो आप उसे जो है वो क्लियर लाइन के साथ, पेंसिल लाइन के साथ आप उस कॉन्टेक्ट को मार्क करेंगे, ठीक है, कि जैसे यहाँ पे इसने क्लियर कॉन्टेक्ट होने की वजह से इसकी जो मार्किंग की हुई है वो इसने मार्किंग की हुई है एक डेंस लाइन के साथ. उसके बजाय यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आपके पास कॉन्टेक्ट जो है वो क्लियर नहीं है, अगर वो वेदर्ड कॉन्टेक्ट है या आप उसके पे श्योर नहीं है कॉन्टेक्ट के ऊपर, तो उस कॉन्टेक्ट को आप शो करते होते हैं डॉटेड लाइन्स के साथ. ये मैपिंग टेक्निक्स में आता है. ये समझ आ गई? चलें फाइनल देखते हैं इसका, टेप एंड कंपास मेथड का. टेप एंड कंपास मेथड जो है ये सिंपल मेथड है, ये आपके पास क्विक वे में होता है. इसमें दो काम है, या तो आप एक साथ में आपके जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें रिक्वायरमेंट में आपको जो मैपिंग रिक्वायरमेंट है वो तो आपके पास है ही है, कि मतलब आपके पास स्केच बोर्ड होना चाहिए, ऊपर पेज होना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है. कलर पेंसिल्स अगर आप वहीं पे डिफरेंट लिथोलॉजीज को डिफरेंट कलर देना चाह रहे हैं तो आप उसके कलर पेंसिल्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. अगर आप उसको कलर से शो करना चाह रहे हैं, कोई वेजिटेशन है तो उसे आपने ग्रीन कर दिया, अगर सैंडस्टोन है वो ग्रे कलर का है तो आपने उसे ग्रे मार्क कर दिया, ठीक है. अगर वो लाइमस्टोन आपने वहां पे फाइंड किया है, ठीक है, तो उसको जो है वो आप सिंपल जो वाटर है उसको आपने ब्लू कलर से शेड दे दिया, ठीक है. अगर लाइमस्टोन का पोर्शन था तो उसे आपने यहाँ पे येलो कर दिया. तो ये मैपिंग टूल्स होते हैं, अगर आप वहां पे यूज करना चाहते हैं तो आपको मर्जी है, ठीक है. जो इसके लिए रिक्वायरमेंट इक्विपमेंट है उसमें आप एक के पास एक तो ब्रंटन कंपास हो, ठीक है, ब्रंटन या सेंटो कोई भी कंपास हो जो आपको डिग्रीज के साथ एक तो डायरेक्शन दिखा रहा है, सेकेंडली जो है वो आपको डिग्रीज भी बता रहा है कि कितने डिग्रीज पे है, ठीक है. सिंपल कंपास अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो आपको डिग्रीज नहीं बता रहा होता, ठीक है, वो सिंपली नॉर्थ की डायरेक्शन बता रहा होगा कि नॉर्थ कौन सी साइड पे फिर रहा है, कितने डिग्री फिर रहा है ये नहीं आपको बता रहा होता, ठीक है. तो एक आपके पास कंपास हो जिसमें आपके पास डिग्रीज आप उसे फाइंड आउट कर सके. सेकेंडली आपके पास मेजरिंग टेप होनी चाहिए, ठीक. तो ये बेसिकली ये जो ये वाला मेथड है ये क्विकर वे है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपके पास एरर के चांसेस आ सकते हैं, वो कंपास की वजह से या फिर आपने मेजरिंग जो है वो गलत की है, ठीक. मेजरिंग में दो चीजें, या तो आप मेजरिंग टेप यूज करते हैं तो वो आपके पास एक्यूरेसी लेवल मजीद बढ़ता जाता है. अगर आपके पास साथ में वो नहीं है, एक आपके पास एडिशनल बंदा नहीं है जो उस टेप को होल्ड कर सके, तो फिर आप यूज करते हैं हिप चेन होती है, ठीक है. हिप चेन को